नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं शांति कृति केंद्र का शिलान्यास कराकर भाजपा ने अनुसूचित जाति को सियासी संदेश देने की कोशिश की है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की नजर बसपा के अनुसूचित जाति वोट बैंक पर है। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी आला कमान पंजाब कांग्रेस की कलह यानी कैप्टन बनाम क्रिकेटर की जंग को खत्म करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के समान रुतबा हासिल करने की जुगत में लगे विधायक नवजोत सिंह सिद्धू बुधवार को दिल्ली में प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने के मामले में अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि केंद्र कोविड से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा राशि तक कर 6 हफ्तों के भीतर राज्य सरकारों को निर्देश दे। साथ ही केंद्र को निर्देश दिया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र पाने की प्रक्रिया को भी सरल किया जाना चाहिए। देश में कोरोना वैक्सीन अभियान 16 जनवरी से हुआ, लेकिन इससे तेज रफ्तार 21 जून यानी योग दिवस के दिन से पकड़ी। हालांकि देश में कोरोना की वैक्सीन लेने वाले पुरुष और महिलाओं के बीच अनुपात विषम है। 21 जून से केंद्र सरकार टीका बनाने वाली कंपनियों से 75% टीके खरीद रहा है और उसे राज्यों में बांट रहा है। कोरोना वायरस महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारत में शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक होगा द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत चलने वाली उड़ानें जारी रहेंगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मानखुर्द से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे लोगों का रिश्तों से ही भरोसा उठ जाए। दुनिया भर में पिता को बच्चों के लिए छत कहा जाता है, वहीं मुंबई में एक पिता ने अपने 3 मासूम बच्चों को आइसक्रीम में चूहे मारने वाली दवा मिलाकर मारने की कोशिश की। इसमें एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कनाडा में एक पाकिस्तानी मूल के निवासी पर चाकू से हमला करने की वारदात सामने आई है। 2 अज्ञात लोगों ने कनाडा में पाकिस्तानी मूल के एक निवासी पर चाकू से हमला किया। कनाडा के स्थानीय मीडिया के मुताबिक ने घटना कनाडा के सेक्स केचेवान प्रांत के सेक्स कार्टून शहर में हुई है। कोरोना काल में भी निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। ऐसे में भोपाल में अभिभावक संघ ने मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री से पूछा कि अगर शिक्षा विभाग उनकी अपील नहीं सुन रहा है तो क्या करना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि मर जाओ। कृषि कानून के विरोध में बीते 7 महीने से दिल्ली की तमाम सीमाओं समेत यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की झड़प भाजपा समर्थकों से हो गई है। बुधवार सुबह यूपी गेट पर किसान आंदोलन स्थल के अंदर भाजपा कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसके बाद उनके और किसानों के बीच मारपीट हो गई। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था के 4 साल पूरे होने के मौके पर वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अब तक 66 करोड़ से अधिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए। कर की देश में कटौती हुई और करदाताओं की संख्या में बढ़ी है। पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया था, जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और 13 उपकर जैसे कुल 17 स्थानीय कर समाहित थे। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।